दोपहर का खाना बना रही हूँ। दोपहर के खाने में मैं आज बना रही हूँ ब्राउन राइस रायता और सैलेड के साथ। तो फ़िलहाल जो है ना कि मेरे राइस बन रहे हैं और प्याज मैंने ब्राउन करके उसका कलर निकाल लिया और अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। इसमें पानी रहीम अच्छा जी, ये मैंने मेरे एक उसका मैंने पैमाइश करके जितने मेरे राइस थे उससे मैंने डबल जो है इसमें पानी डाला और अब इसको मैंने ढक दिया है। अब इसमें बॉइल आने लगेगा तो मैं इसमें राइस डाल दूंगी। सामने फ्राई हो गए ये लो और खाना भी खा रहे हैं सब बच्चे आ गए। अभी कुछ आए नहीं हैं तो इतने में आ जाएंगे, चले वो भी आके शामिल हो जाएंगे। मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त की तरफ, उनकी तबीयत ख़राब है तो मैं उसकी तबीयत के बारे में ज़रा उसके हालचाल पूछने के लिए जा रही हूँ। ज़रा तो काफ़ी मैं रेडी हो चुकी हूँ और वो नीचे मेरा काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं और चलते हैं फिर उसकी तबीयत के बारे में मालूम करने। अल्लाह पाक उसको शिफा दे, सेहत तंदुरुस्ती दे। जी मैं आ गई हूँ नसरीन के घर, अपनी दोस्त के घर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? अच्छा मैं तो आई हूँ बीमार का पता लेने और जनाब बीमार जो है ना वो काम कर रही है। हमारे रिश्तेदार कहाँ थी? अच्छा जी अब जनाब मैंने अपनी बहन के का पता ले लिया, माशाल्लाह से मुझे अपनी बहन जो है ना बैठी हुई मिली है। अल्लाह से तंदुरुस्ती दे। हाँ जी मुझे बैठी हुई मिली है, काम करती हुई मिली है बल्कि। और अब मैं लाऊंगी अपनी भी शर्टें छपा के लाऊंगी और दे के जाऊंगी, निकाल दूंगी आपको। सही है ना, उस पर जो कुछ करना हो कर लेना, फिर आप ही धागा ले आऊंगी साथ ही। सही है। और घर माशाल्लाह ऊंट और वो बटरफ्लाई जा रहे हैं। अच्छा अभी अब मैं जा रही हूँ फिर है, अल्लाह हाफिज। आ गए हैं घर, लाइट भी आ गई और गैस भी कोई घंटे के बाद तो जाने वाली। मैंने बनाना है खाना जल्दी जल्दी से। तो अच्छा जी आखिर मैंने जल्दी जल्दी फटाफट जो है ना पैन को रखा है और भिंडियाँ मैंने डाल दी है फ्राई करने के लिए। ऑयल डाला है, ऑयल गर्म हुआ तो मैंने इसमें भिंडियाँ डाल दी। अच्छा ये नहीं, ये मेरी भिंडी बन गई।
भिंडी मैंने सूखे मसाले वाली बनाई, वो खिच मिच वाली नहीं बनाई, खड़ा सारा मैंने सूखा मसाला डाला है सब में। खाना खा रहे हैं, खाना बन गया और अब जो है ना वो मैं दूध बना रही हूँ, बल्कि मैंने दूध बना। अच्छा जी, अगला दिन आ गया, सुबह का टाइम, नाश्ता वगैरह बना लिया और सफाई हो रही है, तो आज वही मेरे मामूल के रूटीन के काम है। अच्छा जी, सारे कामों से फ्री हो गई हूँ मैं। इस तरफ आई, कपड़े मैंने धोए हैं, तो मैं देख रही थी कि रात मैंने इनको पानी नहीं दिया, ज़मीन काफ़ी सख्त लग रही है, तो सख्त जगह भी तो मिट्टी अच्छी नहीं है ना पौधों के लिए। जितनी सॉफ्ट मिट्टी होगी पौधे उतने ही अच्छे चलेंगे, तो मैं इनकी कटिंग करना के लिए सोच रही थी। यहाँ पे फूल जहाँ बने हैं ना, वो जगह जो है उसको मैं कट कर दूंगी और थोड़ा सा मैं इनको पानी भी दूंगी। जैसे लोग जा रहे हैं दूध लेने, ये मैंने बॉटल डाल ली है शॉपर में और हम जा रहे हैं दूध लेने आज कहीं दूर से। अच्छा जी, ये है भैंसों का बाड़ा और ये हमारे हमसाए हैं जिनकी ये भैंसें हैं, जिनकी ये हवेली है, तो वहाँ से हम दूध लेने आए। माशाल्लाह से अल्लाह पाक इनके कारोबार में बरकत डाले, तो हम दोनों ही दूध लेने आए और इन्हें दूध काटने का ना शौक चढ़ा है और ये दूध खुद काट रहे शौक पूरा कर रहे, पुराना शौक जाग गए हैं दूध काटने का। तो ये अगले बस करें आप बस करें ले, शौक पूरा हो गया। हाँ अल्लाह बरकत दवे होर भाई, अल्लाह माल डंगर दी हिफाजत करेगे। मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है जानवरों को संभालना रखना। और ये भैंसों का चारा, इससे ये भैंसों का चारा कूटते हैं ना, और फिर और इस तरह से फिर ये इनके आगे चारा डालते हैं, और माशाल्लाह ये सारे जानवर इनके अल्लाह बरकत डाले, बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा दे। अच्छा जी, दूध ले आए, काट कर बॉटल में डाल रहे हैं। खुद ही आए तो वो बने, क्या कहते हैं दूध काटने वालों से, गवाला मिल्कमैन, खुद ही बन रहे हैं। गोका थोड़ा होगा दूध, हाँ जी, गांव पांच चार मिले। चलो कोई नहीं, फिर आएंगे। अच्छा जी, दूध हमने ले लिया, बॉटल में डाल दिया बच्चे ने, और अब हम जो है ना तकरीबन जाने लगे हैं। ये मैं दिखा रही हूँ, लाइट आई नहीं है और इन्होंने ना अपना रेंज रखा हुआ है यहाँ पर, ये फ्रिज रखा हुआ है, बिस्तर बिस्तर अपना सारा, यानी रहते जो यहाँ घर इनका जो प्रॉपर है वो हमारे पास है, हमारे हमसाए हैं। तो ये तो इन्होंने भैंसों वाला जो है ना वो रखा हुआ है यहाँ पर अपना। अच्छा जी, ये हम आ गए हैं कमाल चिश्ती टोल चक्कर के पास, तो यहाँ से हम लोग ले रहे हैं फ्रूट, ये तरबूज अच्छा लग रहा है तो तरबूज ले रहे हैं, और कुछ बनाना जो भी कुछ पसंद आएगा तो आगे से हम फ्रूट ले। घर आ गए,